हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन पाइल्स मूड़व्याध ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाइल्स का शिकार है। सेकेंडली, ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। ए टू जेड पूरी तरह से देखेंगे अपन के पाइल्स ऑपरेटिव, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट पूरी तरह से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज बीन प्रोजेक्टेड दैट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया जो कि है, उनको पाइल्स कहीं ना कहीं स्टेजेस पे पाइल्स है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, द एसोसिएशन ऑफ कोलोनोरेक्टल सर्जन्स इन इंडिया, इन्होंने बोला है। एनएस का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है पाइल्स के लिए। एनएस में जो है रेक्टम का पार्ट है, एक्सटेंशन है रेक्टम का, उसके अंदर ये ब्लड वेसल्स है, ये स्फिंक्टर मसल्स है, ये डेंटेड लाइन है। डेंटेड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। और ये पूरे पार्ट को जो है वो एनल कैनल कहा जाता है। एनल जो है वो एक स्फिंक्टर है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर है, 4 to 5 सेंटीमीटर रहता है। उसके अंदर काफी सारे नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स रहते हैं और अराउंड द स्किन एनल ग्लैंड्स रहते हैं। वो एनल ग्लैंड से इन्फेक्शन से एब्सेस है, फिस्टुला है, ये चीजें एनल ग्लैंड्स की वजह से होती है, वो अपन बाकी के वीडियो में देखेंगे। अभी उसका टर्मिनोलॉजी, पाइल्स बोले तो पाइल वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है राउंड बॉल या राउंड शेप का। ये जो है ये बॉल टाइप रहता है, तो उसके लिए उसे पाइल्स कहा जाता है। हिमोरॉइड टर्म्स हिम से डिराइव हुआ है, हिम मतलब ब्लड, और रॉइड्स बोले तो उजी, ये टर्म से हिमोरॉइड टर्म डिफाइन हुआ है। अब डेफिनेशन, पाइल्स आर नथिंग बट द डायलेटेड वेनस प्लेक्सेस है। डायलेटेड प्लेक्सेस ऑफ हिमोरॉइडिक वेन्स इन रिलेशन टू एनल कैनाल्स आर कॉल्ड एज पाइल्स। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसा कि ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर डाला हूं, प्रेशर डालने के बाद में यहां के जो वेन्स जैसे फूल जाते हैं और डायलेट हो जाते हैं, यही है पाइल्स। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। मगर ये जो है एनल रीजन में होता है, वहां पे ज्यादा से सेंसरी नर्व्स होते हैं और इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है। इसके वजह से उसका या एनल कुशन का इन्फेक्शन होना, वेन्स का ब्लीड होना, इसके वजह से पाइल्स की तकलीफ होती है। हिमोरॉइड डू नॉट ऑर्डिनरी कॉज पेन। नॉर्मली हिमोरॉइड के पेशेंट को पेन नहीं होता है, मगर जब उसको ट्रिगर मिलता है, अगर हार्ट स्टूल्स होते हैं आपको, डायरिया होता है, प्रेगनेंसी का पीरियड है, उस टाइम पे अगर प्रेशर गिरता है, तो उस टाइम पे अगर वो इन्फेक्ट होते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, उस टाइम पे वो तकलीफ देना शुरू कर देते। अब पाइल्स के कॉजेस जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये दो बॉल्स है और एक छोटा सा मुंह है, बॉटल बड़ी है और मुंह छोटा है। अब ये जो है ये तुम्हारा हार्ट स्टूल अगर कंसिडर किया जाए, तो ये जब प्रेशर से यहां से जब उसको आप एक्सटर्नली कुंथेंगे या कनारेंगे या आप उसको प्रेशर देंगे, तो वो प्रेशर के वजह से ये इसमें से पास होगा। मगर जब पास होगा, अगर आपके हार्ट स्टूल्स है, आप ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, तो वो वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा और पाइल्स डेवलप होते हैं। एक बात, ग्रेविटी के खिलाफ आपके ब्लड को ऊपर की तरफ जाना होता है, तो वो अगर आपको पोर्टल हाइपरटेंशन है या आप ज्यादा स्टैंडिंग करते हैं या आप ज्यादा सिटिंग करते हैं, मतलब वो ज्यादा प्रेशर वो वेन्स के ऊपर आता है, तो वो वेन्स फूल जाते हैं और पाइल्स डेवलप हो जाता है। स्टेनिंग है, कंजेनाइटल वीकनेस या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है एनल स्फिंक्टर की, वो अभी का पार्ट नहीं है, वो बाद का पार्ट है। प्रेगनेंसी है और कैंसरस सेल्स डेवलप होने के बाद में तो होता ही है। जैसा कि अपन ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वार्ट्स वगैरह का देखा था कि उसके वजह से कैंसर होता है। लोकेशन ऑफ पाइल्स, एनाटॉमिकली साइट के ऊपर रीजन है, जैसा कि अपन ने देखे थे कि ये जो होता है ये डेंटेड लाइन होता है, सिचुएटेड अबाउ द डेंटेड लाइन आर इंटरनल पाइल्स, सिचुएटेड बिलो द डेंटेड लाइन आर एक्सटर्नल पाइल्स, और सिचुएटेड अबाउ एंड बिलो आर द इंटरनो एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑन द पोजिशन, ये क्लॉक है, क्लॉक के जैसा आपके बॉडी में, अगर ऊपर चेहरा करके या आसमान की तरफ मुंह करके अगर आप लेटते हैं, तो
सर के तरफ जो है वो 12 है और नीचे जो है वो 6 है, उसके हिसाब से मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल्स आर 3, 7 एंड 11। क्लासिफिकेशन ऑन डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, 4 डिग्रीज है प्रोलैप्स के। फर्स्ट डिग्री ओनली ब्लीडिंग, सिर्फ ब्लीडिंग होती है, वो बाहर नहीं आता है। सेकेंडरी प्रोट्यूडिंग होता है, मगर जैसा ही आप स्फिंक्टर को क्लोज करते हैं वो अंदर चल जाता है। थर्ड डिग्री आपको हाथ से पुश करना पड़ता है, वो जो कोम निकल रही है बाहर उसको आपको हाथ से पुश करना है, वो थर्ड डिग्री है। और फोर्थ डिग्री में वो हाथ से पुश करने के बाद में भी नहीं जाती है बाहर, वो फोर्थ डिग्री है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये डेंटेड लाइन है, डेंटेड लाइन के अभाव जो है इंटरनल फाइल्स है, इंटरनल फाइल्स अगर अंदर ही है तो वो ग्रेड वन है। ग्रेड टू वो थोड़ा सा ब्लीड मार रहे हैं और थोड़ा सा प्रोलैप्स हो रहे हैं। ग्रेड थ्री वो बाहर आते हैं मगर पुश करने के बाद में अंदर चल जाते हैं। ग्रेड फोर की वो बाहर ही रहते हैं, वो पुश करने के बाद में भी अंदर नहीं जाते। अब क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल्स में जो होता है प्लेनलेस ब्लीडिंग होती है। सडनली आप गए अगर देखे तो ऐसा पिचकारी जैसा ब्लड निकल जाता है, पूरा भांडा भर जाता है, वो है पेनलेस ब्लीडिंग। उसमें पेन नहीं होता है मगर स्प्लैश होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में है प्रोड्यूटिंग मास, मास के जैसा आपको कोम हाथ को लगता है, उसमें से पस वगैरह डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें खुजली पैदा हो सकती है। और बाद में कंडीशन ऐसी आती है कि आप जैसा काम को लग जाते हैं, मोशंस करके आने के बाद में अपन काम को लग जाते हैं, कपड़े वगैरह पहन के ऑफिस में बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीड हो जाता है और ऑफिस में आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। अब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फर्स्ट जो है वो फिंगर से है, फिंगर डिजिटली एग्जामिन कर सकता है आपका डॉक्टर। सेकेंड है प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप इज अ डिवाइस, मेटालिक डिवाइस विच इज मेड टू एग्जामिन पाइल्स। यह इस तरह का डिवाइस होता है, ये अंदर डालने के बाद में इस तरह से आप जैसा बाहर बाहर निकालते हैं तो अगर पाइल्स है तो वो आपके पर्पल कलर का आपके इसके अंदर आ जाता है, दैट इज पाइल्स। अब प्रॉब्लम तकलीफ कब देता है पाइल्स, पाइल्स कब तकलीफ देता है, अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर थ्रोम्बोस हो गया, उसका रक्त घोटे गया, उसके अंदर चीरा पड़ गया या नाखून वगैरह लग गया, या उसमें पस फॉर्मेशन हो गया, तो आपको तकलीफ होता है। इसके अलावा पाइल्स की कोई तकलीफ नहीं होती है। नॉर्मल आदमी ट्रीटमेंट लेता है 2 दिन 4 दिन का और बोलता है मेरा पाइल्स अच्छा हो गया और वो चलते रहता है, मगर वो पाइल्स वैसे ही रहता है। मेडिकल ट्रीटमेंट परगेटिव देना है, स्ट्रांग परगेटिव देना है जिसकी वजह से आपका मोशन अच्छा हो, आपका पेट साफ हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। सेकेंडली सिड्स बात है, सिड्स बात का मैं बताता हूं थोड़ा आगे आपको। लोकल आपको जाइलोकेन जेली या पेन किलर जेली कोई भी यूज करना है। टैबलेट पेन किलर्स है, एनएसीआईडीज है, वोवेरॉन वगैरह टैबलेट आप ले सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर है तो एंटीबायोटिक लगेगा उसको। और नॉर्मल एक लैक्सेटिव, जैसे हाई फाइबर डाइट लेना है और नॉर्मल लैक्सेटिव लेना है जिसकी वजह से आपका पेट अच्छे से साफ होता रहे, आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपके वेनस प्लेक्सस पे प्रेशर ना आए। सिक्स बात, ये ऐसा टब लेके आपको बैठना है, उसके बाद में आपको कीगल्स एक्सरसाइज टाइप आपको एनस को जो है वो अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है, अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है, जिसकी वजह से वहां का ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, उससे उससे आपके पाइल्स हील हो सकते हैं। 50% कीगल्स एक्सरसाइज से ही आपका पाइल्स अच्छा हो सकता है, एक्सरसाइज मस्ट है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में शारसूत्र थेरेपी है, शारसूत्र एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसके अंदर शारसूत्र एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड को पाइल्स को बांध के निकाल लिया जाता है। हिमरेक्टोमी, इसमें प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जरी करके वो पाइल्स को, जो पाइल मास रहता है उसको कट करके इंसिजन लेके निकाल के उसको छोड़ दिया जाता है। लॉर्ड्स डायलेशन, एनल स्फिंक्टर जब बहुत क्लोज हो जाता है और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है तो एनल लॉर्ड्स डायलेशन किया जाता है, जिससे आपका स्फिंक्टर जो है वो ढीला हो, रिलीज हो और अच्छे से आपके स्टूल पास होने में मदद हो और प्रेशर ना पड़े। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी यूज किया जाता है, जो पाइल मास में, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा जो पाइल मास है उसके अंदर वो मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है, मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद में वो नेक्रोज होके निकल जाता है। रबर बैंड थेरेपी या ब्रॉन ब्लैंड थेरेपी, ये जो है ये डिवाइस है, ये डिवाइस के टिप पे अपना रबर जो होता है, जैसा कि नोटों को रबर लगाने का जो रबर होता है उस तरह का रबर होता है, वो रबर
वहां पे ट्रिगर करके उसको शूट किया जाता है, जिससे वो पाइल्स का जो मास है, जैसा ये इमेज में देख सकते हैं, ये पाइल्स को इसको इस तरह से पकड़ के इसको पाइल मास के एंड पे जो है वो रबर लगा जाता है, ब्लड सप्लाई बंद किया कर दिया जाता है, और कोई भी चीज का ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाता है तो खत्म हो जाता है। इस तरह से 3711 पोजीशन पे लगाया जाता है। सर्जिकल क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी जो होता है नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, वो ठंडी गैस जो है वो आपके पाइल मास के ऊपर मारा जाता है, वो ठंडी के वजह से वो सिकुड़ के निकल जाती है। इंफ्रारेड कोएगुलेशन, ये भी लेजर टाइप मशीन होती है, इससे इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेस के साथ में उसको जलाया जाता है। ट्रांसफिक्स एंड लाइगेशन, जिस तरह से हिमरेडक्टॉमी है उस तरह से ट्रांसफिक्स ऑफ लाइगेशन, वो मास को निकाल के वहां पे सूचरिंग किया जाता है। अब रीजंस ऑफ हिमरेज, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एक्सेसिव ड्राई खा रहे हैं, पंजंट खा रहे हैं, लघु आहार है, गुरु आहार है, रुक्ष आहार है, ये चीजें लेने के वजह से, अल्कोहल ज्यादा, स्पाइसी, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, हॉट क्लाइमेट में रहना, ओवर ईटिंग करना, ऑयली फूड्स खाना, टू व्हीलर पे ज्यादा घूमना, ये सब चीजों के वजह से पाइल्स होता है। ओरिजिन ऑफ डिसीजेस, देखो दोष एग्रीवेट होते हैं, दोष दुष्ट से समोचना बनती है, वाता का अनुलोमन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है, वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर क्रिएट होने के बाद में हिमरोडिक वेन्स इन्फ्लाम होते हैं, जिसे हिमरॉइड्स कहा जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, अनकंफर्ट है, पेन है, अनिमिया हो सकता है, खून ज्यादा जान सकता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो सकते हैं, स्किन टैग बन सकते हैं आपके, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, पाइल्स अगर बाहर आ गए और वो स्फिंक्टर क्लोज हो गया तो वहां पे स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, और सेकेंडरी इंफेक्शन भी हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिंपल सोबर है, लैक्सिटिव ट्रीटमेंट है, पेट साफ रखना है, भूख लगे जब भी खाना है, लिवर टॉनिक्स है, कूलिंग मेजर्स है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन है, डाइजेस्टिव फायर अच्छा, हजमा अच्छा करना है आपका, और जो भी दोष है आपका, वातज पित्तज कफज जो भी है, वो प्रकृति के हिसाब से मेडिसिन दिए जाते। सिंगल हर्ब्स में क्या क्या है, तिल है, भल्लातक है, नागकेशर है, हरितकी है, त्रिव्रत है, अश्वगंधा है, चित्रक है, अमलकी है, दंती है, और बहुत सारे है, द्राक्षा है, ये सब चीजें इस्तेमाल किया सकता है, इसके वजह से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आयुर्वेदिक पेटेंट फॉर्मुलेशन, अभय अरिष्ट है, द्राक्षासव है, अविपत्तिकर चूर्ण है, कनकासव है, कनका गुटी है, स्वर्ण है, भल्लातक कावले है, चांगेरी घृत है, ऐसे चीजें यूज किया सकते हैं। अब डाइट में लेना है, डाइट में जो है लघु आहार लेना नहीं है आपको, ज्यादा गुरु आहार लेना नहीं है, मीडियम जो है डेली रूटीन में है उसके अंदर आप राइस ले सकते हैं, गेहूं जवारी ले सकते हैं, ताक ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, हाई फाइबर डाइट वाली चीजें, फ्रूट्स जितने भी है, वेजिटेबल्स जितने भी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से लेना है। उसके बाद में मिल्क जो है, अजागृत का एक अच्छा सा कंसेप्ट बताया गया है, बकरी के दूध का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आयुर्वेद के हिसाब से पाइल्स के अंदर है, अजागृत अगर लेते हैं तो पाइल्स हीलिंग में काफी ज्यादा मदद होती है। अब करना क्या है, नहीं है एक्स्ट्रा ज्यादा आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कीजिए, टू व्हीलर पे ज्यादा घूमते हैं उसको थोड़ा सा कम कीजिए, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस बंद करना है आपको, जो भी आपके पंजन फ्रूट्स है, जो भी आप अब पथ्य ले रहे हैं उसे कम करना है, उसे बंद कर रहा है। दूसरा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, बेगो का धारण नहीं करना है, मोशन आती है जाना है, मोशन नहीं आती है उड़ जाना है, लोग वहां पे स्ट्रेन करते बैठते हैं, द बेसिक कॉम्प्लिकेशन अराइड्स फ्रॉम देयर ओनली, ज्यादा स्ट्रेनिंग के वजह से ग्रेविटी अपना काम करती है, प्रेशर अपना काम करती है, जिसके वजह से पाइल्स होने का खतरा, पाइल टैग होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप कंफर्टेबल ही रहिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर डाइट लीजिए, फूड्स अच्छे से लीजिए, ऑयली स्पाइसी ओवर स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सवेरे उठने के बाद में गर्म पानी पी के आप मोशन को जाइए, मोशन आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उठ जाना है, उसको तान नहीं लगाना है, तान अगर लगाते हैं तो आपको 100% पाइल्स होना है, ये बॉन्ड पे लिख के दे सकते हैं। अब कैन पाइल्स रिपेयर इटसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पाइल्स जो है एक स्टेज है,
वो स्टेज ऐसा है कि पाइल्स वो इन्फ्लाम हो गई तभी तकलीफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया हो कि बाबा ये प्रेशर गिर रहा है, ये प्रेशर अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो ये वेन्स ऑटोमेटिकली हील हो सकते हैं, ये अंदर चल जाते हैं, जैसा कि प्रेशर लगाने के बाद में जैसा फूल जाते हैं, प्रेशर रिलीज होने के बाद में वो ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ट्रिक्स मेंटेन करते हैं, आप प्रेशर नहीं लगाते हैं, आप ग्रेविटी के खिलाफ ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो आपके पाइल्स 100% विदाउट एनी मेडिसिन हील हो सकते हैं, मगर यू शुड फॉलो द डाइट प्लान एंड द एक्सरसाइजेस। अब ये एक विषय आता है कि पाइल्स के लिए 100% सर्जरी ही करना है क्या? नहीं, अगर कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं, आप सीवियर एनीमिया पेशेंट है या आपके पाइल्स थ्रोम्बोस है, आपका 4 डिग्री पाइल्स है, पाइल्स शरीर के बाहर निकल चुका है, वो अंदर नहीं जा रहा है या वो उसको खून घोटे जा रहा है, उसमें ब्लीडिंग अगर हो रही है, इसी स्टेजेस पे सर्जरी एसेंशियल हो जाती है। सर्जरी एक इमरजेंसी कंडीशन है पाइल्स के अंदर, सर्जरी इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स। अब देखिए, जैसा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है कि हर्बल मेडिसिन से शारवस्ती और त्रिफला गुगुर से ही पाइल्स अच्छा हो सकता है। पाइलेक्स टैबलेट हिमालय का आता है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है और क्लिनिकल ट्रायल्स है, 18 क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो स्टडी में इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड हो वो पढ़ सकता है। प्लीज डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एनी डिसीज कांट बी एक्सप्लेन इन अ 10 to 20 minutes वीडियो। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।